ऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एक बार फिर से हम सभी लोगों का वेलकम करते हैं और इस क्लास का टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की नजर से देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है। मेटल और लिगेंड जो लोन पेयर लेन देन कर रहे हैं, लिगेंड ने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, मेटल ने उसको एक्सेप्ट किया, कैसे काम हो रहा है। इस थ्योरी का नाम हम लोग पहले भी ले चुके हैं, केमिकल बॉन्डिंग तुमने पढ़ा है, केमिकल बॉन्डिंग में भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमने पढ़ाया हुआ है। वहां पर हमने कहा था बॉन्ड कैसे बनता है, तो ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से बनता है। और यहां भी हम वही बात करेंगे कि मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड कैसे बनेगा, तो बाय ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल। मेटल है, लिगेंड है, ऑर्बिटल इसके पास भी है, ऑर्बिटल इसके पास भी है। जब दोनों के ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तभी दोनों में बॉन्ड बनेगा। लिगेंड को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है तो इसके ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होगा, और मेटल को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है तो इसका ऑर्बिटल खाली होगा। ठीक वैसे ही जैसे सुबह सुबह घर पर दूध देने वाला आता है तो दूध देने के लिए खाली बर्तन लेकर के पहुंचते हैं, तभी तो उसमें दूध मिलता है। बर्तन पहले से भरा रहेगा तो दूध कहाँ लोगे। तो ठीक इसी तरह से मेटल का जो ये डब्बा है उसका जो ऑर्बिटल है खाली होना चाहिए ताकि वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सके। दोनों पास आएंगे और मेटल और लिगेंड के ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग हो जाएंगी और मेटल और लिगेंड के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। अभी ये दो इलेक्ट्रॉन जो था जिसका आनंद अकेले लिगेंड उठा रहा था, अब उसका आनंद मेटल भी उठा रहा है। इस बॉन्ड को हम ऐसे दिखा सकते हैं, लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, मेटल ने एक्सेप्ट किया है, तो हमें कैरो लगा दे, डोनर एक्सेप्टर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में तुम लोग जानते हो, वही वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इसने डोनेट किया, इसने एक्सेप्ट किया और उसको हमने कैरो लगा करके दिखा दिया। या फिर इसको सिंपल एक लाइन से भी दिखा सकते हो, कोई जरूरी नहीं है एरो लगाने की, क्योंकि जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की स्टडी हो रही है तो पूरी दुनिया को पता होता है कि लिगेंड जो है डोनर है और मेटल जो है एक्सेप्टर है, तो एरो लगाने की कोई जरूरत नहीं। सबको पता है कि किसने इलेक्ट्रॉन दिया है और किसने दिया है, कौन डोनर है कौन एक्सेप्टर है, इसलिए बिना एरो के भी काम चलेगा। करेक्ट। तो बॉन्ड कैसे बन रहा है, ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से। अब जरा एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में सोचो। मेटल है, उसके साथ छह लिगेंड्स लगे हुए हैं, चार प्लेन में है, 90 डिग्री, 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 90 डिग्
बनेगा, लिंक के नीचे है लिगेंड जिसका भी इन सबके साथ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, मतलब सभी बॉन्ड एंगल्स 90 डिग्री है, करेक्ट। तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, इससे 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 और इससे, तो 6 ऑर्बिटल्स तो चाहिए ना, एक इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए एक ऑर्बिटल की जरूरत पड़ती है, तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए मेटल को 6 ऑर्बिटल्स की जरूरत पड़ेगी। तो ठीक ऐसा ही होगा, मेटल को जितना इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना है, 6 एक्सेप्ट करना है तो 6 ऑर्बिटल, 4 एक्सेप्ट करना है तो 4 ऑर्बिटल्स, 5 एक्सेप्ट करना है तो 5 ऑर्बिटल, जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए मेटल को सबसे पहले उतने ऑर्बिटल्स का इंतजाम करना है। जैसे सुबह सुबह दूध वाला दूध देने आया, तुम्हें गाय का भी दूध चाहिए, भैंस का भी दूध चाहिए, बकरी का भी दूध चाहिए, तो सबके लिए अलग अलग बर्तन तो जुटाना पड़ेगा ना, कहीं में गाय भैंस बकरी सब मिला के दे दिया तो क्या फायदा, गाय का भी दूध चाहिए, बकरी का भी चाहिए, भैंस का भी चाहिए, तो तीन तरह का बर्तन तो लेकर आना पड़ेगा ना ताकि तीन दूध एक्सेप्ट कर सको। ठीक वैसा ही है कि इसको जितने इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए उतना ऑर्बिटल इसको इंतजाम करना पड़ेगा, 6 लोन पेयर चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, 6 ऑर्बिटल्स इंतजाम करने पड़ेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना चाहता है तो 5 ऑर्बिटल्स का इंतजाम करना पड़ेगा, 4 लोन पेयर अगर एक्सेप्ट करना चाहता है तो 4 ऑर्बिटल्स का इंतजाम करेगा। दूसरी बात कि ऑर्बिटल्स उसी डायरेक्शन में होने चाहिए जिस डायरेक्शन में इसको बॉन्ड बनाना है, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग की तरफ कुछ याद जा रहा है, ऑर्बिटल्स उसी डायरेक्शन में होना चाहिए जिस डायरेक्शन में बॉन्ड बनाना है, जिस डायरेक्शन से लोन पेयर लेना है, अगर बॉन्ड इधर बनाना है तो ऑर्बिटल इधर नहीं होना चाहिए, ऑर्बिटल भी इधर ही होना चाहिए। तो अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो मेटल के पास 6 ऑर्बिटल्स होने चाहिए, एक ऑर्बिटल कुछ इस डायरेक्शन में, दूसरा ऑर्बिटल कुछ इस डायरेक्शन में, तीसरा ऑर्बिटल कुछ इस डायरेक्शन में, चौथा ऑर्बिटल जिस डायरेक्शन में 90 डिग्री ईच, पांचवा ऑर्बिटल प्लेन से ऊपर की तरफ, छठवां ऑर्बिटल प्लेन से
नीचे की तरफ, ठीक है, छह ऑर्बिटल्स और सबके बीच का एंगल 90 डिग्री। और हम जानते हैं किसी एटम के पास इस तरह के ऑर्बिटल्स नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, किसी एटम के पास इस तरह के डायरेक्टेड ऑर्बिटल्स नहीं मिलते हैं। तो ये ऐसा ऑर्बिटल आएगा कहां से? आंसर इज हाइब्रिडाइजेशन। मेटल जो है अपने पुराने ऑर्बिटल्स को मिला करके छह नए ऑर्बिटल्स बनाएगा और हाइब्रिडाइजेशन करेगा। छह पुराने ऑर्बिटल्स मिला करके छह नए ऑर्बिटल्स बनाएगा जो ठीक उसी डायरेक्शन में होंगे जिस डायरेक्शन में इसको बॉन्ड बना रहा है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के यही दो तीन पॉइंट्स है। पहला पॉइंट, ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स जरूरी है। दूसरा पॉइंट कि वैकेंट प्रॉपर नंबर ऑफ, ठीक है, प्रॉपर नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स, जितने इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए उतना ऑर्बिटल तो इंतजाम करना पड़ेगा। और तीसरा, ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं मेटल के, ओरिजिनल ऑर्बिटल्स या प्योर ऑर्बिटल्स, वो इस तरह के डायरेक्शन में नहीं होते हैं, ठीक है ना। मेटल के जो ऑर्बिटल्स हैं वो 90 डिग्री पर नहीं होंगे, तो मेटल को कुछ तो करना पड़ेगा, ऑर्बिटल्स को फिर से रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा सो दैट उसके पास इस तरह के ऑर्बिटल्स आ जाए। तो हाइब्रिडाइजेशन, मेटल जो है अपने पुराने ऑर्बिटल्स को मिक्स करके नए ऑर्बिटल्स बनाएगा ताकि जो है, आज हवाई जहाज वालों को क्या हो गया है भाई, सुबह से जब से पढ़ाने में लगे हैं उसी में हवाई जहाज पर हवाई जहाज छपा हुआ है। कोई बात नहीं, हम भी नहीं रुकेंगे। हाइब्रिडाइजेशन होगा तो प्रॉपर नंबर ऑफ सुटेबल नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए और वो ऑर्बिटल्स उस डायरेक्शन में नहीं होते हैं जिस डायरेक्शन में बॉन्ड बनाना पड़ता है। तो इन ऑर्बिटल्स को मिक्स करके रीडिस्ट्रीब्यूट करके नया ऑर्बिटल बनाना पड़ेगा ताकि नए ऑर्बिटल्स ठीक उसी डायरेक्शन में रहे जिस डायरेक्शन में हमें बॉन्ड बनाना है। तो हाइब्रिडाइजेशन होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के केस में sp3d2 या फिर d2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इन दोनों में थोड़ा अंतर है, ठीक है, तुम सोच रहे हो d2 को इधर लिखे या d2 को इधर लिखे, क्या फर्क पड़ता है, इन दोनों में थोड़ा अंतर है, अभी हम बताएंगे क्या अंतर है, ठीक है ना। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के केस में है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के केस में, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हम जानते हैं कि शेप जो है ऑक्टाहेड्रल होता है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जरा याद करो, इंट्रोडक्शन वाला क्लास हमने दो तरह का शेप बताया था, टेट्राहेड्रल भी हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है। तो टेट्राहेड्रल के लिए, ठीक है ना, टेट्राहेड्रल के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और स्क्वायर प्लेनर के लिए, स्क्वायर प्लेनर के लिए dsp2 या फिर sp2d हाइब्रिडाइजेशन होता है, करेक्ट। और भी कोऑर्डिनेशन नंबर्स की बात हम कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 5, कोऑर्डिनेशन नंबर 3, कोऑर्डिनेशन नंबर 7, लेकिन हम सब कुछ मिला करके क्लास को बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहते हैं। हम दो कोऑर्डिनेशन नंबर्स की बात कर रहे हैं, 6 और 4। 6 में शेप ऑक्टाहेड्रल होता है और ऑक्टाहेड्रल शेप तब आएगा जब हमारे पास 6 ऑर्बिटल्स इस तरह से 90 डिग्री पर रहे। कैसे होगा ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन से? एक s ऑर्बिटल जो स्फेरिकल है, 3 p ऑर्बिटल्स जो डंबल शेप्ड है और 2 d ऑर्बिटल, ये 5-6 ऑर्बिटल्स मिलकर के 2 और 3 5 और 1 6 ऑर्बिटल्स मिलकर के 6 नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे जो इस डायरेक्शन में लगे होंगे, ऑक्टाहेड्रली लगे होंगे। और ये ऑर्बिटल्स अब मेटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, ठीक है, सॉरी ये ऑर्बिटल्स लिगेंड्स हैं, मेटल्स से नहीं, लिगेंड्स हैं, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। लिगेंड आएगा इन सब ऑर्बिटल्स में अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स बनेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा और अगर कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर है तो हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें जैसा रिजल्ट चाहिए हमें वैसा ही शुरुआत भी करना पड़ेगा। अगर हमें गोभी का सब्जी बनाना है तो उसमें हम बैगन मिलाकर के गोभी का सब्जी नहीं बना सकते, ठीक है ना। बैगन को मिलाया, आलू को मिलाया, सब्जी बना दिया और कहा ये गोभी का सब्जी खा लो, तो बात नहीं बनेगी ना। गोभी का सब्जी चाहिए तो गोभी मिलाना होगा उसमें,
तो ठीक वही बात है कि अगर हमें स्क्वायर प्लेनर शेप चाहिए तो हमें वैसे ऑर्बिटल्स चाहिए, ठीक है, जैसा शेप चाहिए वैसा ऑर्बिटल। तो स्क्वायर प्लेनर शेप के लिए हमें डी एस पी टू ऑर्बिटल्स को मिलाना पड़ता है, और टेट्राहेड्रल शेप के लिए हमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन करना पड़ेगा। एक ऑर्बिटल s होगा, तीन ऑर्बिटल्स p के होंगे, चारों मिलकर के चार नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे। और चारों ऑर्बिटल्स कैसे होंगे, जैसे टेट्राहेड्रॉन होता है, मेटल है, लिगेंड है, लिगेंड है, लिगेंड है और लिगेंड है, एक लिगेंड प्लेन में, दूसरा लिगेंड प्लेन से बाहर प्लेन में, तीसरा लिगेंड प्लेन से बाहर और चौथा लिगेंड प्लेन से अंदर की तरफ। तो मेटल के पास चार ऑर्बिटल्स होने चाहिए, एक प्लेन में होना चाहिए, ये भी प्लेन में होना चाहिए, एक और प्लेन में प्लेन से बाहर की तरफ होना चाहिए, एक प्लेन से अंदर की तरफ होना चाहिए। तो जब मेटल के पास चार ऑर्बिटल्स इस तरह के होंगे तभी तो वो लिगेंड से चार पेयर इलेक्ट्रॉन ले पाएगा। स्क्वायर प्लेनर में ये मेटल है और 90 डिग्री पर चार लिगेंड्स बिल्कुल प्लेन में लगे हुए हैं, तो मेटल को ऐसे ऑर्बिटल्स भी चाहिए, एक दो तीन और चार। और डेफिनेटली यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कुछ अलग होगा और यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कुछ अलग होगा, ठीक है, दोनों में हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं हो सकता। ऐसा रिजल्ट पाने के लिए हमें डी एस पी टू या एस पी टू डी हाइब्रिडाइजेशन करना पड़ता है, ऐसा रिजल्ट पाने के लिए हमें एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन करना पड़ता है। कभी कभी पूछा जाता है कि डी एस पी टू में डी ऑर्बिटल कौन सा है, पी ऑर्बिटल कौन सा है। डी में पांच ऑर्बिटल्स होते हैं, हम लोग जानते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो इन पांचों में से कौन सा ऑर्बिटल है ये वाला, P के यहां पर दो ऑर्बिटल्स, P में तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, Px, Py और Pz, तीनों में से कौन से दो ऑर्बिटल्स यहां पर मौजूद है। तो हम कहेंगे जो D ऑर्बिटल है ये Dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर है, और P ऑर्बिटल जो है फिर s ऑर्बिटल है, P ऑर्बिटल जो है Px है और दूसरा Py है। ये चार ऑर्बिटल्स मिल करके चार नए ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। क्यों यही चार, क्योंकि ये चारों का डायरेक्शन ऑलमोस्ट ऐसा ही है, हमने कहा है ना कि जैसा बनाना है वैसा ही मिलाना भी पड़ेगा। गोभी का सब्जी अगर बनाना है तो बैगन से नहीं बनेगा, उसमें गोभी ही मिलाना पड़ेगा। तो हमें अगर चारों ऑर्बिटल्स प्लेन में चाहिए, एक प्लेन में 90 डिग्री पर चाहिए, तो शुरुआत भी वैसे ही ऑर्बिटल्स से करो, ये भी ये भी ये भी, ये तीनों ऑर्बिटल्स एक प्लेन में होते हैं और इनके बीच का इनिशियल एंगल भी 90 डिग्री ही होता है, इसीलिए इन ऑर्बिटल से ऐसा ऑर्बिटल बनाने में कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। जैसा ऑर्बिटल शुरुआत में लेंगे उसी से मिलता जुलता रिजल्ट हमें अंतिम में मिलेगा, समझ रहे हो मेरी बात ना। जैसा ऑर्बिटल हम शुरू में लेंगे वैसा ही मिलता जुलता रिजल्ट हमें बाद में मिलता है। तो यहां पर क्या है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या होता है, एक्स और वाई एक्सिस पर होगा ये ऑर्बिटल हुआ, ठीक, पी एक्स वाई ये एक्स एक्सिस पर हुआ, सॉरी पी एक्स रीडिस्ट्रीब्यूट करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। तो डीएसपी टू में कभी कभी पूछते हैं कि ये ऑर्बिटल का नाम क्या होना चाहिए, इसका नाम क्या होना चाहिए, इसका नाम क्या होना चाहिए, तो हम बताएंगे यहाँ पर हमें प्लेन में चार ऑर्बिटल चाहिए, स्टार्ट भी ऐसे ऑर्बिटल से करो जो प्लेन में हो, एक ही प्लेन में हो, एंड दैट इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एस पी एक्स एंड पी वाई, ठीक है। ऑर्बिटल्स के शेप की बात हमने करी हुई है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने ऑर्बिटल्स के शेप पर बात किया था, तो वो याद होना चाहिए। हम ये मान करके यहाँ पर पढ़ाए हैं, ये सब तुम्हें याद होगा, नहीं याद होगा तो फिर तो ये तो ऊपर से गुजर जाएगा। तो अगर नहीं याद है तो थोड़ा सा कृपा करके पीछे जाइए और ऑर्बिटल्स का शेप स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि उसकी जरूरत अभी इस चैप्टर में थोड़ा आगे और भी पड़ेगी। 10-15 मिनट का वीडियो होगा वो छोटा सा, ऑर्बिटल्स का शेप पढ़ लो ताकि जो है ये सब समझने में तुम्हें आसानी रहे, क्योंकि ऑर्बिटल्स के शेप की अभी आगे और भी जरूरत पड़ने वाली है। तो सबको समझने के लिए थोड़ा कृपा करके पीछे की तरफ जाए और अपना ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट अगर कमजोर है तो शेप का कॉन्सेप्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, ऑर्बिटल कौन कौन से डायरेक्शन में होते हैं, स्पेशली पी ऑर्बिटल्स और डी ऑर्बिटल्स, ताकि इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हमें ना आए, ठीक है। तो हम कहाँ थे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर बात कर रहे थे। ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स होगा उसके लिए जरूरी संख्या में हमें खाली ऑर्बिटल्स का इंतजाम करना पड़ेगा, और तीसरा कि
जो मेटल के ओरिजिनल ऑर्बिटल्स होते हैं उनका डायरेक्शन फिट नहीं होता है, तो उनको अभी मिक्स करके नया ऑर्बिटल बनाना पड़ता है, जिसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन केमिकल बॉन्डिंग में बहुत हमने पढ़ाया है, तो हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन होगा ऑक्टाहेड्रल के केस में sp3d2 या d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो शेप्स होते हैं, टेट्राहेड्रल इन स्क्वायर प्लेनर। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है टेट्राहेड्रल के केस में, और स्क्वायर प्लेनर में दो हाइब्रिडाइजेशंस पॉसिबल है, dsp2 एंड sp2d। ये डी को पीछे लिखने का या आगे लिखने का एक छोटा सा मतलब होता है, अभी हम एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ भी डी को इधर लिखो या इधर लिखो, थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है। वो अंतर क्या है, एग्जाम्पल्स को लेकर के बात समझने की जरूरत है। तो चलो एग्जाम्पल लिया जाए। हम आयरन प्लस टू को पकड़ेंगे और इसको 6 लोहे पेयर देंगे, ठीक है। आयरन प्लस टू और इसको हम 6 अमोनिया से मिला करके कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, आयरन अमोनिया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, करेक्ट। ये कॉम्प्लेक्स बन गया। इसी तरह से आयरन प्लस टू को हम 6 पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ मिला करके आयरन एक्वा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। ये भी ऑक्टाहेड्रल है, इसमें भी 6 लिगेंड्स है, इसमें भी 6 लिगेंड्स है, 4 प्लेन में, एक प्लेन से ऊपर एक प्लेन से नीचे, 4 प्लेन में, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे। दोनों के मैग्नेटिक बिहेवियर में काफी अंतर है, ठीक है। ये जो है डायमैग्नेटिक है, चला ध्यान देना, ये डायमैग्नेटिक है और ये पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक हम लोग समझते होंगे, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है, जिसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है वो डायमैग्नेटिक होता है। इट मीन्स यहां पर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, जबकि यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अमोनिया जैसा काम कर रहा है वैसा ही पानी का मॉलिक्यूल काम कर रहा है, ये भी लोन पेयर डोनर है, ये भी लोन पेयर डोनर है। आयरन दोनों में कॉमन है, लिगेंड भी कोई खास अलग तरह का नहीं है, ये भी लोन पेयर डोनेट करेगा, ये भी लोन पेयर डोनेट करेगा, लिगेंड सेम तरीके से काम कर रहा है, मेटल भी वही है, ठीक है। आयरन प्लस टू, आयरन प्लस टू, फिर ये इलेक्ट्रॉन कहां से डिस्टर्ब हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, दैट्स व्हाट इज डायमैग्नेटिक। यहां पर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है इसीलिए पैरामैग्नेटिक है। तो ऐसा बिहेवियर कहां से आ गया, इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। चलो तो जरा ध्यान देना है, आयरन प्लस टू को पहले बार आया था विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन, मतलब आयरन प्लस टू का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन बनाया। तो पहले आयरन को पकड़ो, आयरन में 26 इलेक्ट्रॉन है, सो 1s 2 इलेक्ट्रॉन भरा, 2s एंड 2p 2 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन भरा, 3s 3p एंड 3d 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन भरा। d वे इलेक्ट्रॉन पहले नहीं भरते क्योंकि d की एनर्जी ज्यादा है और 4s की एनर्जी कम है, तो 4s कहता है कि जो है इलेक्ट्रॉन पहले, मतलब 3d कहता है कि पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भर दो क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, फिर हमारे पास आओ। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें पहले भरेंगे फिर d में आएंगे, सो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 20 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 6 इलेक्ट्रॉन और भरना है, यहां पर भर देंगे हम। ये हो गए आयरन के 26 इलेक्ट्रॉन। तो पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल और ये चौथा सेल। चौथे सेल में केवल 4s ही नहीं है, 4p भी है, 4d भी है, 4f भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहां तक नहीं पहुंच पाया है, तो 4s तक ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन हम लिखे, ठीक है ना। चौथे में s p d f सब होता है, तो सब मौजूद है लेकिन वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, करेक्ट। और ये दोनों मिला करके, ये वाला सेल, ये और ये, ठीक है, इन दोनों को मिला करके हम बोलते हैं कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स का या फिर आयरन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। पी ब्लॉक में, एस ब्लॉक में हमने कहा था केमिकल बॉन्डिंग जरा याद करो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहां सबसे बाहर वाले को वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बोल रहे, इन दोनों को मिला करके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल रहे। अगर जैसे नाइट्रोजन या फॉस्फोरस होता तो हम कहते हैं कि सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन आयरन में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से और 6 इलेक्ट्रॉन यहां से, इन दोनों को मिला करके बोल रहे हैं कि 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जरा ध्यान से देखना है कि यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट कैसा है, इन दोनों को बाहर वाले सेल से और इसके अंदर वाले सेल से दोनों को मिला करके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं, करेक्ट।
क्योंकि दोनों ही बॉन्ड बनाने में मदद करते हैं, दोनों ही जो है बॉन्ड बनाने में। तो ये हुआ आपका आयरन। आयरन प्लस टू का स्टोरी क्या होगा, हमें दो इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना पड़ेगा। कहां से निकालेंगे, सबसे बाहर से। दो इलेक्ट्रॉन यहां से हटा दो तो ये खत्म हो गया। जब आयरन प्लस टू हो जाएगा तो ये दो इलेक्ट्रॉन को हटा दो, ये हो गया आयरन प्लस टू, करेक्ट। अब हमें इतने दूर के ऑर्बिटल्स का कोई काम नहीं, हमें जो काम है, सॉरी, इतने दूर तक के ऑर्बिटल्स का हमें कोई काम नहीं, हमें इस डी ऑर्बिटल का यूज कर, यहां पर जो डी ऑर्बिटल्स इनका यूज करना पड़ेगा और थोड़ा आगे वाले ऑर्बिटल्स का भी यूज करना पड़ेगा। तो हम पीछे वालों को मिटा देते हैं, आप डी सिक्स पर फोकस करेंगे और इसके आगे जो ऑर्बिटल्स है उस पर भी थोड़ा फोकस करेंगे। तो थ्री डी सिक्स, थ्री डी सिक्स और इसके आगे क्या है, इसके आगे है अपना 4s2 खाली, टू नहीं है उसमें, इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, टू कहां से है। सो 4s, उसके आगे 4p है वो भी खाली है, उसके आगे 4d है वो भी खाली है, ठीक। तो इनका डायग्राम बनाया जाए, इनके ऑर्बिटल्स बनाओ। यहां पर पांच ऑर्बिटल्स है, एक दो तीन चार पांच, छह इलेक्ट्रॉन्स है। सो एक दो तीन चार पांच छ, एस तो खाली पड़ा हुआ है, तो दो इलेक्ट्रॉन, सॉरी खाली है तो इलेक्ट्रॉन क्यों बनाए भाई, हम इसको थोड़ा यहां लिख देते हैं। 4s खाली पड़ा हुआ है, 4p ये भी खाली पड़ा हुआ है, इनको बना रहे हैं क्योंकि हमें इनकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। 4d ये भी खाली पड़ा हुआ है, तो ये है आयरन प्लस टू का स्टेटस कि यहां तक इलेक्ट्रॉन है और आगे वाले खाली है। खाली वाले को क्यों बनाया, क्योंकि हमें दूध लेने के लिए खाली बर्तन की जरूरत तो पड़ेगी ना, फिर खाली बर्तन नहीं तो दूध कहां लेंगे, दूध यहां थोड़े ले लेंगे। अब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना है तो हमें खाली ऑर्बिटल्स की जरूरत पड़ेगी। तो आयरन को पानी के मॉलिक्यूल से 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने, ठीक है, आयरन प्लस टू एंड 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इसको 6 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा ना। तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए 6 ऑर्बिटल्स चाहिए। ये ऑर्बिटल्स कहां से आएंगे, एक ऑर्बिटल ये, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा, 6 ऑर्बिटल्स हो गए, करेक्ट। लेकिन ये ऑर्बिटल्स फिट नहीं है अभी, ठीक है, इनको थोड़ा जिम में ले जाना होगा, थोड़ा इनको दौड़ाना भगाना कुदाना होगा ताकि फिट हो जाए। तो अभी ये फिट नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए फिट नहीं है, क्योंकि इनका डायरेक्शन वो नहीं है जिधर से लिगेंड आएगा। लिगेंड आ रहा है पूरब से और कोई खड़ा है उत्तर दिशा में, कोई खड़ा है दक्षिण दिशा में, तो सब सही डायरेक्शन में नहीं है। तो इनको हम जिम ले जाएंगे, रीशेप करेंगे, मेहनत करेंगे, नया शेप बनाएंगे इनका, मीन्स हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन, एक ऐसा ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल्स, 2d ऑर्बिटल्स मिलकर के हाइब्रिडाइजेशन करेंगे और 6 नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 देखने में एक जैसे होंगे सब, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। इनका जो डायरेक्शन होगा वो 90 डिग्री पर सब हो गए, सब होंगे, 4 ऑर्बिटल्स प्लेन में होंगे, प्लेन से ऊपर होगा, प्लेन से नीचे होगा, ताकि जो है लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सके। फिर पानी के मॉलिक्यूल्स आएंगे, पानी के मॉलिक्यूल आएंगे और अपना 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 sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, 6 नए ऑर्बिटल्स बने और पानी के जो मॉलिक्यूल्स आए वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर डोनेट कर दिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर कहां से आ रहा है, फ्रॉम वाटर, कहां से आया, तो इन सबको फ्रॉम वाटर, फ्रॉम वाटर, फ्रॉम वाटर, फ्रॉम वाटर। तो ये है स्टोरी कि कैसे जो है हमारा आयरन प्लस टू के साथ पानी के मॉलिक्यूल्स मिल करके ये कॉम्प्लेक्स बनाया है, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स में देखो यहां पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो डेफिनेटली ये पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक, और हम चाहें तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू रूट ओवर एन इंटू एन प्लस टू बी एम, बी एम जो है इसका यूनिट है, जैसे हम लोग मास को
तौलने के लिए किलोग्राम यूज करते हैं, लंबाई के लिए मीटर यूज करते हैं, दूरी के लिए किलोमीटर यूज करते हैं, समय के लिए सेकंड यूज करते हैं। उसी तरह मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट बोर मैग्नेटॉन, इन शॉर्ट BM। व्हाट इज L? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, अगर तो सो 4 × 4 + 2, 4 + 2 = 6, 6 × 4 = 24, √24 का वैल्यू कितना होगा? ठीक है, थोड़ी मोमेंट का अगर तुम्हारी मेमोरी बढ़िया होगी तो तुम लोग को याद होना चाहिए कि 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, तो 24 का 5 से थोड़ा सा ही कम होगा, तो हम लिख देते हैं 4.9 BM अप्रोक्सीमेटली। तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसी के आसपास होना चाहिए, हम लैब में जाके जब मेजरमेंट करते हैं उसी के आसपास दिखाई पड़ता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसी के आसपास, लाइक 4.9 की जगह 4.7 भी दिखे तब भी चल जाएगा, कोई कॉम्प्लेक्स है 4.9 की जगह 5 पूरा दिख जाए, 5.1 दिख जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है उसी के आसपास रहेगा और इसका बिहेवियर पैरामैग्नेटिक होगा। तो हमने एक्सप्लेन कर दिया, अब थोड़ा सा और आगे सोचो, आयरन प्लस टू को अब हम अमोनिया के साथ मिला रहे हैं, ठीक है, आयरन प्लस टू को हम अमोनिया के साथ मिला रहे हैं, 6 अमोनिया आयरन के साथ मिलकर के कॉम्प्लेक्स बनाया, जैसे पानी ने कॉम्प्लेक्स बनाया वैसे अमोनिया ने कॉम्प्लेक्स बनाया, इसका कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है जबकि इसका कॉम्प्लेक्स डायामैग्नेटिक है, इसके कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कैसे है हमने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन इसके कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कैसे नहीं है ये एक्सप्लेन करना है, ठीक है, यहां तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक है, हमने एक्सप्लेन कर दिया, मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल दिया, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, हम ये कैसे जस्टिफाई करेंगे? ओके, तो हम ये भी जस्टिफाई करेंगे, तो इस कॉम्प्लेक्स में आयरन का प्लस टू है हम तो जानते ही है, इसीलिए हम सीधे आयरन प्लस टू से शुरुआत कर रहे हैं, आयरन में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, आयरन प्लस टू है और ये उसका इस इलेक्ट्रॉनिक स्टेटस है कि यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन है और ये सब खाली है। अमोनिया जो है पानी तो नहीं है ना, अमोनिया है तो इसका नेचर कुछ तो अलग होगा, बहुत अलग है, अमोनिया जो है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है, दादागिरी अमोनिया जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये आएगा और आकर के सबको डिस्टर्ब करेगा, आएगा तो इन सबको डिस्टर्ब करेगा, अमोनिया के डर के मारे ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है पीछे भाग जाएंगे, सिर्फ यही दोनों डरते हैं, ये सब नहीं डरते हैं, ठीक है ना, अगर यहां पर कोई नहीं रहेगा तो डरने के लिए कोई नहीं है, ध्यान रखिए, अगर यहां वाला इलेक्ट्रॉन कभी नहीं डरता अमोनिया से, यही दोनों जो है बाउंड्री पर पड़े हैं, तो जैसे ही अमोनिया को देखते हैं तुरंत वहां से निकल लेते हैं, ये दोनों यहां से पीछे की तरफ भागे, पीछे जगह है क्या भागने के लिए, तो यस यहां पर जगह खाली है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है अब कुछ ऐसे एडजस्ट हो गए, रीअरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, क्यों, सब अमोनिया का डर है, अमोनिया की स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पानी कमजोर लिगेंड है, उसे कोई नहीं डरता, ठीक है, उसको देख करके कोई नहीं हिलता, सब अपनी जगह खड़े रहते हैं, सब अपने अपने में बिजी रहते हैं, अमोनिया को देखते ही ये दोनों इलेक्ट्रॉन डरते हैं, तुरंत पीछे हो लेते हैं और ये दोनों जगह खाली हो गया, खाली होने का इफेक्ट क्या होगा, 6 लोन पेयर अमोनिया आ रहा है देने के लिए, 6 ऑर्बिटल्स की जरूरत पड़ेगी ना, 2 ऑर्बिटल्स ये, 1 ऑर्बिटल ये और 3 ऑर्बिटल्स ये, 6 ऑर्बिटल्स तैयार है, D2 SP3 राइस के पीछे वाला केस याद करो, वहां क्या था SP3 D2, ये दोनों को हमने लिया था और इस बार क्या है इन दोनों को लिया है, तो यही है डिफरेंस SP3 D2 और D2 SP3 में, कि SP3 D2 में 4s 4p और 4d था, D2 SP3 में क्या है 3d 4s और 4p है, तो d जो है इस बार फोर्थ लेवल से नहीं बल्कि थर्ड लेवल से आ रहा है, तो ये है डिफरेंस, ऐसे केस में हम कॉम्प्लेक्स को इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, और जब SP3 D2 होता है तो उसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, आउटर ऑर्बिटल इसलिए क्योंकि बाहर वाला ऑर्बिटल आ रहा है, इनर ऑर्बिटल इसलिए क्योंकि अंदर वाला ऑर्बिटल आ रहा है, ठीक है, तो यहां पर अमोनिया के डर के मारे ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपना जगह छोड़कर के पीछे भाग खड़े हुए, लेकिन ये पीछे तभी भागते हैं जब यहां पर जगह है, मान लो ये पीछे भागना चाहते हैं और यहां पर जगह नहीं है, तब तो इनको अमोनिया से लड़ना ही पड़ेगा, तभी पीछे नहीं भाग पाएंगे, याद रहे पीछे भागेंगे लेकिन केवल और केवल तभी भाग सकते हैं जब
पीछे भागने के लिए जगह है, अगर पीछे सब जगह भरा हुआ है तो ये दोनों चाह कर भी पीछे भाग नहीं पाएंगे, तब इनको अमोनिया से मुकाबला करना ही पड़ेगा। फिलहाल जगह थी पीछे और दोनों जो है भाग लिए, यहाँ पर आकर एडजस्ट हो गए और ये जगह खाली हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 6 ऑर्बिटल्स मिल गए और ये मिल करके इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। बट द प्रॉब्लम इज जिस डायरेक्शन से अमोनिया आ रहा है उस डायरेक्शन में ये ऑर्बिटल्स नहीं है, तो इन ऑर्बिटल्स को मिक्स करके ठीक है इनका इनको फिट करना पड़ेगा। अभी ये अनफिट है, ले चलो इन्हें जिम में, जिम में ले चल के मेहनत कराओ और मेहनत करा के जब मेहनत कर लिए बाहर निकलेंगे तो बाहर निकलेंगे क्या होगा, अभी बिल्कुल बढ़िया स्टाइलिश नए और 90 डिग्री ईच सब जो है ऑक्टाहेड्रल स्टाइल में 90 डिग्री पर लगे हुए हैं और सब एक जैसे हैं। अभी सब अलग अलग स्टाइल के थे, ये गोला था, ये डंबल था, ये डबल डंबल था ठीक है, लेकिन अभी क्या है सब एक जैसे हो गए हैं, सब 90 डिग्री पर लगे रहेंगे करेक्ट। और ये लोन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार, 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स वो आएंगे और अपना अपना लोन पेयर जो है इनमें दे देंगे। तो ये जो है हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया, क्या कॉम्प्लेक्स बना है, इट इज Fe(H3+2)। क्या इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आंसर है नहीं, कहां गया भाई, डर के मारे पीछे भाग गया। जब डर के मारे पीछे भाग गया तो क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी नहीं दिखाई पड़ रहा है ठीक है। तो ये पैरा मैग्नेटिक नहीं होगा, डाया मैग्नेटिक होगा और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 0। So, मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करोगे तो वो भी 0 आएगा, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन नो मैग्नेटिक मोमेंट, इस कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है। हम यहां से भी कह रहे हैं और लैब में ले जाकर के तौल कर नाप करके लाओगे तब भी 0 ही मिलेगा। तो ये कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक है। तो आयरन प्लस 2 पानी के साथ पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बनाता है, लेकिन अमोनिया के साथ डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि अमोनिया की दादागिरी जिसकी वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन डर के मारे पीछे भाग जाते हैं। तो अमोनिया एक पावरफुल लिगेंड है, इसकी वजह से आयरन के इलेक्ट्रॉन्स जो है रीअरेंज होते हैं ठीक है ना। अब ये थोड़ा बढ़िया वर्ड बोला था केमिस्ट्री के हिसाब में, तो अमोनिया एक पावरफुल लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, नॉट पावरफुल, स्ट्रॉन्ग बोलना ज्यादा बेटर, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है पानी के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ रीअरेंज हो जाते हैं अगर पीछे जगह है तो, और सिर्फ यही दोनों रीअरेंज होते हैं, बाकी सब रीअरेंज नहीं होते ओके। एक और एग्जाम्पल देखा जाए, एक और एग्जाम्पल देखा जाए, तो एक और एग्जाम्पल के तौर पर इस बार हम आयरन प्लस 3 लेंगे, आयरन प्लस 3। तो आयरन प्लस 2 में क्या था, T6 था, तो आयरन प्लस 3 के लिए हमें ज्यादा मेहनत नहीं करना, डेफिनेटली ये D5 होगा, सब कुछ वैसा ही रहेगा, D5 हो जाएगा। तो 3D5 4S खाली पड़ा हुआ है, 4D खाली पड़ा हुआ है, 4D खाली पड़ा हुआ है। अब इसका जो है कॉम्प्लेक्स बनाओ, आयरन प्लस 3 का कॉम्प्लेक्स बनाना है हमें, इसका कॉम्प्लेक्स जो है क्लोराइड आयन के साथ बनाना है, 6 क्लोराइड आयन इसके साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाए, और इसका कॉम्प्लेक्स जो है साइनाइड आयन के साथ बनाना है, तो क्या होगा ओके। कॉम्प्लेक्स विथ क्लोराइड आयन एंड कॉम्प्लेक्स विथ साइनाइड आयन, तो इसके साथ हम देखते हैं इट इज पैरामैग्नेटिक, दोनों ही कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल होंगे नो डाउट, 6 लिगेंड है तो ऑक्टाहेड्रल तो होगा ही होगा। ये पैरामैग्नेटिक है, ये भी पैरामैग्नेटिक है, ये दोनों ही पैरामैग्नेटिक है, लेकिन अंतर ये है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट समथिंग 1.7 होता है और इसका जो है 5.9 होता है, ये ज्यादा पैरामैग्नेटिक है, ये कम पैरामैग्नेटिक है। दोनों में आयरन का स्ट्रक्चर तो एक जैसा है, D5 ही है, फिर ये डिफरेंस क्यों आया होगा, तो डेफिनेटली लिगेंड्स की वजह से आया, कि आयरन तो कॉमन है ना, लिगेंड बदल गया है। तो क्लोराइड जो है वीक लिगेंड, साइनाइड जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और साइनाइड की वजह से वही होगा जो भी पीछे अमोनिया की वजह से हुआ था, इलेक्ट्रॉन डर के मारे पीछे भागेंगे। तो अगर हम डायग्राम बनाए, ये रहा आपका 5 इलेक्ट्रॉन करेक्ट, बाकी के ऑर्बिटल सब खाली पड़े हुए हैं, तो क्लोराइड है वीक लिगेंड है, इसकी वजह से कोई नहीं डरता है,
सब अपनी अपनी जगह वैसे ही खड़े रहेंगे। इसको 6 लोन पेयर देना है, तो ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल और दो ऑर्बिटल यहां से, मीन्स sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा और 6 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। जिनका डायरेक्शन वही होगा जैसा कि हमें बॉन्ड बनाना है, और इन 6 नए ऑर्बिटल्स में क्लोराइड आएगा, क्लोराइड आएगा और क्लोराइड आकर के अपना लिगेंड जो है, लोन पेयर जो है, 6 क्लोराइड आएंगे, सब अपना अपना लोन पेयर इनमें डोनेट कर देंगे। और डोनेट करेंगे तो ये बन गया हमारा आयरन प्लस 3 और क्लोराइड आयन का कॉम्प्लेक्स। इसका फॉर्मूला क्या लिखोगे? Fe(CN)6, ब्रैकेट में लगाने की जरूरत नहीं है, और 3 पॉजिटिव 6 नेगेटिव, मतलब 3 नेगेटिव लिखा तो ये कॉम्प्लेक्स बना। कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि 5 एम्पियर इलेक्ट्रॉन्स है, और अगर इसका हम मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करें तो एम मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू √ एन इंटू एन प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन, √ 5 × 5 + 2, 5 और 2 मिलाकर 7 हो जाएंगे। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करो 35, और थोड़ा याद करो 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, 35 का थोड़ा सा कम होगा, सो इट इज ऑलमोस्ट 5.9 bm। इसका मैग्नेटिक मोमेंट इसी के आसपास होना चाहिए और होता भी है। साइनाइड आयंस की बात करें तो साइनाइड आयंस की वजह से क्या होगा कि अब इनको डर लगेगा, इन दोनों को, इन तीनों को नहीं, इन दोनों को डर लगेगा क्योंकि लिगेंड बड़ा स्ट्रॉन्ग है, इनकी तरफ चला चला आ रहा है, ये दोनों जो है डर के मारे पीछे भाग जाएंगे। तो पीछे भाग जाएंगे तो स्टोरी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मिटाया जाए। तो पीछे भाग जाने से क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन पीछे कर दो तो भी स्टोरी चेंज हो गया था। ठीक है, 1 2 3 ये तो अपनी जगह खड़े हैं, ये दोनों इधर आके एडजस्ट हो गए ऐसा। ठीक है, और ये जगह खाली हो गया, और ये एस, ये पी और ये 4d अपनी जगह उसी तरह से पड़े हुए हैं। 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए 6 ऑर्बिटल्स की जरूरत है, तो 2 ऑर्बिटल्स यहां से, 1 ऑर्बिटल यहां से और 3 ऑर्बिटल यहां से, कुल मिलाकर के 6 ऑर्बिटल्स हो गए। अभी ये फिट नहीं है क्योंकि इनका डायरेक्शन वैसा नहीं है जैसा कि होना चाहिए। जिधर से लिगेंड आ रहा है उधर ऑर्बिटल होना चाहिए, ऑर्बिटल्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। इन्हें जिम में भेजा जाए एंड हाइब्रिडाइजेशन करा के निकाला जाए। तो अभी अनफिट है और फिट होकर के आएंगे, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा तो फिट हो जाएंगे। और अभी 6 नए ऑर्बिटल सब एक जैसे हैं और सबका एंगल जो है 90 डिग्री ही है। तो अब ये 6 ऑर्बिटल्स तैयार है और 6 साइनाइड आयंस अपना अपना लोन पर इसको डोनेट करेंगे। तो 1 ने डोनेट किया, दूसरे ने डोनेट किया, तीसरे ने डोनेट किया, चौथे ने डोनेट किया, पांचवे ने, ये हो गया। तो क्लोराइड आयन के साथ क्या था, 5 एम्पियर इलेक्ट्रॉन थे। साइनाइड के साथ क्या हुआ, इन इलेक्ट्रॉन्स में रीअरेंजमेंट हुआ, ये दोनों डर के मारे पीछे भाग गए, तो सिर्फ 1 एम्पियर इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो डेफिनेटली मैग्नेटिक मोमेंट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कम आएगा। सो मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू √(n)(n+2)bm, विच इज इक्वल टू √(1)(1+2), इज √(1+2) इज 3, 3 × 1 इज अगेन 3, और 3 का स्क्वायर रूट तो सबको याद कराया जाता है बचपन में ही, मतलब 10th में ही, 1.732 होता है, यही इसका वैल्यू होना चाहिए। और हम देखते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स का जो मैग्नेटिक मोमेंट है उतना ही आता है। तो इसका कॉम्प्लेक्स भी पैरामैग्नेटिक है, इसका कॉम्प्लेक्स भी पैरामैग्नेटिक है, बट द डिफरेंस इज, क्या डिफरेंस है कि ये वीक लिगेंड था तो ये एज सच खड़े रहे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के आते ही ये दोनों इलेक्ट्रॉन डर के मारे पीछे, और अनपेड इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक दिखाई पड़ेगा, जबकि इसके केस में 5 एम्पियर इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ा था, इसके केस में मैग्नेटिक मोमेंट 5.9 आया था, इसके केस में 1.732 आया है। तो ये है डिफरेंस लिगेंड के कारण क्या डिफरेंस हो सकता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन d2sp3 एंड sp3d2, d2sp3 में ये दोनों d के ऑर्बिटल्स यूज होते हैं और sp3d2 में ये दोनों यूज होते हैं।
तो ये इनर ऑर्बिटल, और जब ये दोनों यूज होते हैं तो आउटर ऑर्बिटल। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पर हमने बहुत बात किया, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पर भी हमें बात करनी है। इसके अलावा लिगेंड कभी वीक हो जा रहा है, कभी स्ट्रांग हो जा रहा है, तो हमें वीक और स्ट्रांग का एक लिस्ट भी तैयार करना पड़ेगा कि कौन कौन आएगा तो उसको वीक मानेंगे, कौन कौन आएगा तो इसको स्ट्रांग मानेंगे। अभी तो दो एग्जाम्पल खड़ा कर दिया है, पानी वीक है, क्लोराइड वीक है, साइनाइड स्ट्रांग है, अमोनिया स्ट्रांग है। तो लिगेंड की ताकत की बात थोड़ी सी करनी है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पर बात करनी है। इस क्लास में हम बस यहीं पर रुकेंगे, लिगेंड की ताकत की बातें और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बातें हम जरूर करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें दोबारा मिलना पड़ेगा अगले क्लास में।